हेलो एवरीवन, द कॉमर्स प्रोफेसर में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है इंटरनेशनल ट्रेड इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और आइए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है इंटरनेशनल ट्रेड होता है जब दो या दो से ज्यादा देशों के बीच गुड्स और सर्विसेज का आदान प्रदान होता है या हम कह सकते हैं लेन देन होता है जब एक कंट्री अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्री में बेचती है उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं और जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से प्रोडक्ट्स को खरीदती है तो उसे हम इंपोर्ट कहते हैं तो जब एक कंट्री दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है गुड्स और सर्विसेज का तो उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मान लो इंडिया अमेरिका को सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है और वहां से मशीनरी इंपोर्ट करती है तो ये दोनों कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है इस प्रोसेस से दोनों कंट्रीज को फायदा होता है इंडिया अपने सॉफ्टवेयर बेच के पैसा कमा लेती है और इंडिया को मशीनरी मिल जाती है जो शायद इंडिया में अवेलेबल नहीं होती तो इसे ही हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं अब बहुत से बच्चों को एक कंफ्यूजन रहती है कि इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस में क्या फर्क होता है तो इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों काफी रिलेटेड कंसेप्ट है लेकिन इनमें एक की डिफरेंस हम कह सकते हैं कि ये होता है कि इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के आदान प्रदान तक लिमिटेड होता है यानी जब दो या दो से ज्यादा देशों के बीच इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट होता है गुड्स और सर्विसेज का उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस का स्कोप थोड़ा ब्रॉड होता है इसमें सिर्फ ट्रेड ही नहीं बल्कि दूसरी बिजनेस एक्टिविटीज शामिल होती है जैसे फॉरन इन्वेस्टमेंट्स ज्वाइंट वेंचर्स लाइसेंसिंग और मैन्युफैक्चरिंग भी दूसरे देशों में स्टेब्लिश करना फॉर एग्जाम्पल अगर टाटा मोटर्स अपनी कार्स को यूरोप एक्सपोर्ट करे तो ये इंटरनेशनल ट्रेड होगा लेकिन अगर टाटा मोटर्स यूरोप में एक फैक्ट्री लगा ले और कार्स मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दे तो इसे हम इंटरनेशनल बिजनेस कहेंगे तो ये एक छोटा सा डिफरेंस होता है इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस में इंटरनेशनल ट्रेड में सिर्फ गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता है जबकि इंटरनेशनल बिजनेस का वाइडर स्कोप होता है इसमें फॉरन इन्वेस्टमेंट्स करना ज्वाइंट वेंचर्स लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजिंग और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश करना दूसरी कंट्री में ये सारी एक्टिविटीज शामिल होती है अब हम पढ़ते हैं बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जिन्हें हम डिटर्मिनेट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के कुछ इंपोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो देशों के बीच गुड्स और सर्विसेज के आदान प्रदान को इन्फ्लुएंस करते हैं सबसे पहले आता है कंपेरिटेटिव एडवांटेज कंट्रीज इंटरनेशनल ट्रेड में इसलिए हिस्सा लेती है क्योंकि उनके पास कंपेरिटेटिव एडवांटेज होता है कम्पेरिटेटिव एडवांटेज का मतलब होता है जब एक कंट्री किसी प्रोडक्ट को दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सके फॉर एग्जाम्पल मान लो इंडिया का कंपेरिटेटिव एडवांटेज है सॉफ्टवेयर सर्विसेज में क्योंकि इंडिया में स्किल्ड आईटी प्रोफेशनल्स काफी है और कॉस्ट भी कम होती है इस वजह से इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर पाएगा जबकि अमेरिका अपने नेचुरल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का एडवांटेज लेकर मशीनरी एक्सपोर्ट करता है तो कंपेरेटेटिव एडवांटेज का मतलब क्या होता है वो गुड्स और सर्विसेज जो एक कंट्री दूसरे कंट्रीज के मुकाबले कम कॉस्ट में प्रोड्यूस कर सकती है उसके बाद आता है फैक्टर हर देश के पास नेचुरल और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग क्वांटिटी में होते हैं, जिसमें वो रिच होते हैं। उन रिसोर्सिस का यूज करके वो कंट्रीज उन प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके ट्रेड करते हैं। जैसे कि सऊदी अरेबिया के पास ऑयल की रिच रिजर्व है इसलिए वो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं वही चाइना के पास चीप लेबर है और लार्ज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आता है डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स हर मार्केट में डिमांड और सप्लाई की कंडीशन वेरी करती है किसी प्रोडक्ट की डिमांड एक कंट्री में हाई हो सकती है जबकि दूसरी कंट्री उस प्रोडक्ट को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर रही हो जैसे कि जापान में ऑटोमोबाइल्स की डिमांड काफी है और जापान की कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वर्ल्ड क्लास है इसलिए जापान अपनी कार्स यूरोप और यूएसए जैसी मार्केट्स में एक्सपोर्ट करता है जहां इन कार्स की डिमांड हाई होती है उसके बाद आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज गवर्नमेंट की ट्रेड पॉलिसीज जैसे टैरिफ्स, कोटास और ट्रेड एग्रीमेंट्स ट्रेड को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है फॉर एग्जाम्पल यूएसए ने चाइना के कुछ प्रोडक्ट्स पर हाई टैरिफ्स लगा दिए जिससे चाइना से इंपोर्ट कॉस्टली हो गया इस वजह से बिजनेसिस अल्टरनेटिव सप्लायर्स ढूंढने लगे इसके कॉन्ट्रास्ट में इंडिया ने एशियन कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफ साइन किया जिससे इन कंट्रीज के बीच गुड्स का आसान ट्रेड हो रहा है विदाउट एक्स्ट्रा टैक्सेस उसके बाद आता है एक्सचेंज रेट्स एक्सचेंज रेट भी इंटरनेशनल ट्रेड पर मेजर इम्पैक्ट डालता है जब एक करेंसी की वैल्यू दूसरी करेंसी के मुकाबले कम होती है तो उस कंट्री का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो जाता है जैसे कि जब इंडियन रुपीज की वैल्यू यूएस डॉलर के मुकाबले गिरती है तो इंडियन प्रोडक्ट्स यूएसए के लिए सस्ते हो जाते है इससे इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ जाता है जैसे टेक्सटाइल्स गार्मेंट्स और हैंडीक्राफ्ट्स। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन सिस्टम इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं। अगर एक कंट्री के पास एडवांस्ड पोर्ट्स और हाईवेज है तो उससे गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रोसेस फास्टर और चीपर हो जाता है सिंगापुर एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस और एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो एशिया के मेजर ट्रेड हब में कन्वर्ट हो गया है एंड उसके बाद आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड लीगल फ्रेमवर्क पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ट्रांसपेरेंट लीगल सिस्टम भी ट्रेड के लिए जरूरी होते हैं क्योंकि बिजनेसिस को एक सिक्योर एनवायरमेंट चाहिए होता है फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और स्ट्रोंग लीगल फ्रेमवर्क के लिए जाना जाता है इस वजह से बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज यह इन्वेस्ट करती है और ये देश इंटरनेशनल ट्रेड में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो ये कुछ बेसिस होते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के जैसे कि कंपेरिटेटिव एडवांटेज फैक्टर एंडमेंट डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सचेंज रेट्स ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और लीगल फ्रेमवर्क उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और चैलेंजेस जो कि सेम है इंटरनेशनल बिजनेस वाले अगर आपसे कोई पूछे इंटरनेशनल ट्रेड के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस या चैलेंजेस बताओ या फिर इंटरनेशनल बिजनेस के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और चैलेंजेस बताओ तो आप दोनों के पॉइंट सेम लिखेंगे और ये पॉइंट मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ जब हमने इंटरनेशनल बिजनेस पढ़ा था तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख लीजिएगा उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा उसमें आपके इंटरनेशनल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों की एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और चैलेंजेस कवर हो जाएंगे So, ये था हमारा आज का टॉपिक आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कमेंट में अपना फीडबैक बताइएगा और अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा जल्द मिलेंगे आपको किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू